हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जावा की है और जावा में इंटेलिजे आईडी को लेकर के हम बात कर रहे हैं और इंटेलिजे आईडी पर कैसे प्रोग्राम लिखेंगे आइए आपको दिखाता हूं। यूजर की मदद से दो नंबर का डिवीजन हम करवाएंगे इंटेलिजे आईडिया पर। तो यहां पर इंटेलिजे आईडिया हमने ओपन कर लिया है और अब यहां पर हमें क्या करना है, फाइल पे चलना है। फाइल पे जाने के बाद यहां से न्यू पे आइए और फिर सीधा आ जाइए आप प्रोजेक्ट पर। ये जो प्रोजेक्ट दिखाई पड़ रहा है यहां पर आके क्लिक कर दीजिए, एक नई विंडो ओपन होगी, इसको ऐसे रहने दीजिए और यहां से नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको न्यू प्रोजेक्ट दिखाई पड़ेगा, यहां पर क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक कर दीजिए और यहां पे लिखा हुआ है कमांड लाइन ऐप, ठीक है। तो ये कमांड लाइन ऐप है और यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं और यहां इसका नाम देना है तो मैं div दे देता हूं, इसका नाम div, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देता हूं तो ये विंडो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब प्रोग्राम कैसे लिखना है वो समझते हैं। सबसे पहले तो ये जो आया हुआ है राइट अ कोड हियर, ये सब हटा देते हैं, सब हमको नहीं चाहिए, हम जानते हैं कहां से कोड लिखना है तो हम खुद से लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहला काम कि यूजर की मदद से इनपुट करवाना है तो यहां पर लिखता हूं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये लिख दिया हमने इस तरीके से, ठीक है। अब ये लिखने के बाद क्या करना है, टर्मिनेट कर देना है, इसको टर्मिनेट करना यानी सेमीकोलन देंगे तो टर्मिनेट हो जाता है। और फिर सारी की सारी चीजें आपको यहां पर बनी बनाई मिल चुकी हैं, यहां पर सीधा नीचे आइए, हम यहां पर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले रहा हूं, हो सकता है कि रिजल्ट जो आएगा वो फ्लोट में आए। तो यहां पर एक ए नाम से और एक बी नाम से और एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल बना लेता हूं, ठीक है, ताकि हम जो रिजल्ट स्टोर करेंगे वो फ्लोट नाम के डेटा टाइप में, मतलब जो डेटा टाइप हमारा होगा वो फ्लोट होगा, क्योंकि हो सकता है कि डेसिमल में आए, दशमलव में आए रिजल्ट हमारा, तो इसलिए फ्लोट ले रखा है, ठीक है। आपको अगर लगता है कि इंट में आने लायक है तो आप इंट भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यहां पर मैंने फ्लोट का प्रयोग किया है, ठीक है। अब यहां पर आ चुका हूं, एंटर प्रेस करूंगा और यहां पर लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ये लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया। अब यहां पर क्या देना है, यहां पर देना है हमें टू नंबर्स आर, ये लिख दिया हमने, इतना ही लिख देते हैं और इसको अब यहीं पे क्लोज कर देते हैं, बस इतना काफी है। इतना दे देने के बाद नीचे जैसे ही आते हैं तो हमें यहां पे लिखना होगा स्कैनर, तो ये लगा दिया हमने स्कैनर इस तरीके से और यहां पर लिखूंगा एस सी इज इक्वल टू और यहां पर दूंगा न्यू, फिर यहां दूंगा स्कैनर और यहां पे दे देता हूं सिस्टम डॉट इन, ये हो गया, ठीक है। यहां पर आकर के इसको टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट करने के बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो हमें यहां पर इसको डिफाइन करना होगा एक एक को, तो ए इज इक्वल टू ए लिया है तो यहां पे लिखना होगा एस सी डॉट नेक्स्ट, आपने डेटा टाइप कौन सा लिया है फ्लोट, तो एफ कैपिटल लिखिएगा, फ्लोट कर दिया, ठीक है, बस हो गया ये, बस ऐसे छोड़ देना इसको, एंटर प्रेस करके नीचे आइए, फिर बी इज इक्वल टू, फिर यहां देंगे हम क्या एस सी डॉट नेक्स्ट, अब चूंकि फ्लोट लिया है तो फ्लोट ही देना है हमको, तो यहां पे फ्लोट एफ एल ओ ए टी फ्लोट दे दिया और बस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से करके इसको टर्मिनेट कर दीजिए। टर्मिनेट करने के बाद अब लास्ट बचा हुआ है, तो लास्ट क्या बचा हुआ है, अब हमको इसको डिफाइन करना है कि इसकी मतलब रिजल्ट कैसे आएगा हमारा, तो यहां लिखना है रिजल्ट इज इक्वल टू ए अपॉन बी, बस हो गया काम, इतना कर देने से हमारा काम हो जाएगा। और यहां पर अब बस प्रिंट करवा देना है, तो यहां लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ये लिख दिया हमने और ब्रैकेट ओपन किया और डबल इंटेड कोट्स ओपन किया, यहां पर लिखूंगा डिवीजन ऑफ टू नंबर्स इज, ये दे दिया हमने और यहां पर जिसमें डिवीजन स्टोर होगा प्लस लगा करके यहां पे लिख देना है आपको लाइक रिजल्ट आर ई एस यू एल टी, ये रिजल्ट दे दिया हमने। और यहां से क्या करेंगे, इसको टर्मिनेट कर देंगे, टर्मिनेट कर देने के बाद अब कुछ करना नहीं है आपको, आप सिंपली यहां से रन पे जाएं, ये रन का बटन दिया हुआ है, यहां पर आप शिफ्ट के साथ F10 भी प्रेस कर सकते हैं, यहां पर माउस से क्लिक कर दें, जैसे ही माउस से क्लिक करेंगे
तो नीचे आपको यहां पर रिजल्ट दिखाई पड़ेगा जो ये प्रोग्राम चलेगा। तो ये देखिए यहां पर ये रिजल्ट आ गया है हमारा। अब ये लिखा हुआ है टू नंबर सार, दो नंबर चाहिए ना, एक पांच ले लेते हैं, दूसरा नंबर है दो, तो इसमें पांच में दो का डिवीजन करवा रहे हैं हम। तो यहां डिवीजन कितना आ रहा है देखिए 2.5 आ रहा है। अगर आप इसको फिर रन करवाते हैं यहां से तो ये फिर रन हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए अब ये फिर रन हो चुका है, और अब इस बार मैं क्या करता हूं, यहां लिखता हूं 9 और यहां लिखता हूं 2, तो 9 में 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4.5। इसी तरह से कोई और नंबर भी अगर आप देना चाहें, लाइक अगर जिसका रिजल्ट जो है होल नंबर में आए तो वो भी दे सकते हैं, फ्लोट लेने का फायदा यही है। अगर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे 4.0 इस तरह से करके रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि इंटेल की आईडी का प्रयोग कैसे करना है जावा में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।